वैसा क्रिएट नहीं हो सकता है कभी, ये बात याद रखिएगा। और जो उस दिन के प्रेशर को हैंडल कर लेता है वही कट ऑफ के उस पार निकल आता है। बिल्कुल सही। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। मैं आयुष रैना और मेरे साथ डॉक्टर धर्मेंद्र सर बैठे हैं। हम लोग आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं, बेसिकली प्रिलिम्स के बारे में और प्रिलिम्स टेस्ट सीरीज के बारे में। इस वक्त जो बाजार है बहुत गर्म है इन सब चीज़ों को लेके कि प्रिलिम्स आ रहे हैं, बहुत करीब आ रहा है, बच्चों में एंजाइटी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हम दिसंबर के एंड तक जाएंगे 2024 शुरू हो जाएगा और बच्चों में एक तनाव देखा जाता है, एक टेंशन होता है उनको। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अबाउट सॉल्विंग टेस्ट्स। तो सर, टेस्ट सॉल्व करने के लिए या टेस्ट सीरीज किस तरीके से हम प्लान करें उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। कि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों में सबसे मेन जो इशू या कंसर्न होता है कि चॉइस करना कि कौन सी टेस्ट सीरीज उनके लिए बेस्ट रहेगी और किस बेसिस पे वो टेस्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। सर, कुछ आप इसके बारे में? सर, ये काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस भी रहता है बच्चों के अंदर। और बड़ी अफसोस की बात है कि मान लो हम बाहर सब्जी लेने भी जाते हैं तो उसको गोभी के फूल को दो बार उठा के देखते हैं कि सही है नहीं है। लेकिन टेस्ट सीरीज लेने टाइम बच्चे सोचते नहीं है कि जो भी ट्रेंडिंग चल रहा है उसको ले लो, नाम बना हुआ है कि ये टेस्ट सीरीज है तो ये ले लेते। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मुझे लगता है कि जो टेस्ट सीरीज है वो आपकी एक स्किल डेवलपमेंट की का काम करती है जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर अगर हम सही से टाइम इन्वेस्ट करके कि कौन सी मुझे लेनी चाहिए, क्योंकि वो आगे 6 महीने 7 महीने आपकी वो चलेगी, तो वहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें देखनी है कि मतलब अगर हम मैं टेस्ट सीरीज ले रहा हूँ कि क्या वो यूपीएससी के हिसाब से है जो ट्रेंड चेंज हो रहा है रिसेंट टाइम में। मतलब अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं टेस्ट सीरीज तो क्या चीज़ें हमें सोचनी चाहिए? हाँ, जैसे मान लो हमें सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि जो उसकी कवरेज है क्या वो उस हिसाब से है कि जो मेरी स्टडी के अंदर भी हेल्प करे। कि मतलब अगर सेक्शनल टेस्ट पहले आ रहे हैं वो उस लेवल के हैं, कि कई बार क्या होता है कि आपके सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं वो जैसे आपने पढ़ा उसके बाद आप तुरंत उसको सॉल्व कर लोगे, आपको लगेगा बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। देन एक्सप्लेनेशन जो है, कई बार जैसे मान लो 3 स्टेटमेंट है जो सही है उसकी एक्सप्लेनेशन दी है बट 2 जो मिसिंग है उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी, एग्जाम के अंदर वो हमें बहुत हेल्प करता है। उसके बाद जो है हमें ये देखना है कि स्पेशली करंट अफेयर के ऊपर, जो मैंने बहुत सी टेस्ट सीरीज देखते हैं, करंट अफेयर के अंदर भी काम करते हैं हम, आपको पता है कि वो जो करंट अफेयर्स है उसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि जो कोर है मतलब जो बहुत ज्यादा रेलिवेंट है उसकी कवरेज हो। बहुत बार क्या होता है जो लास्ट टेस्ट होते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट कोई भी ऐसे कोशिश करता है कि जो पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डाल दिए उसके बाद जो बचे हैं वो डाल देते लास्ट में, ताकि कवरेज जो है बहुत ज्यादा हो जाए उसकी, कि कोई भी क्वेश्चन बाहर ना आए, ऐसा कुछ करते हैं जो हमेशा गलत होता है। तो उससे जो है वो करंट अफेयर बच्चा लास्ट में पढ़ता है जो रेलिवेंट नहीं होते, तो जिससे बहुत ज्यादा मिसगाइडेंस होती है और एग्जाम के अंदर फिर मार्क्स नहीं आ पाते। सर, मुझे लगता है काफी टेंडेंसी होती है कि अचीव करना है कि हमारे टेस्ट सीरीज में से क्वेश्चन आया है, मतलब बच्चों के लिए जो है इंटेंशन काम नहीं है। हाँ, बच्चों की हेल्प करना इंटेंशन है, स्टूडेंट्स की इंटेंशन नहीं है कि हमारा कवरेज हो जाए, बस ये सोच के टेस्ट सीरीज बहुत सारी बनती है। तो एक और चीज मुझे लगता है इसमें मैं ऐड करूंगा कि मुझे लगता है कि जिस तरीके से ऑप्शंस आ रहे हैं, बिल्कुल यूपीएससी के जो एग्जाम है प्री 2023 का खास तौर पे, तो ऑप्शंस जो बन रहे हैं क्वेश्चंस के और जो आपके एबीसीडी ऑप्शंस भी हैं उसको भी देखना चाहिए एक बार कि बच्चे को कि क्या ये यूपीएससी की तरफ पूछ रहा है या जो पहले पुराने पैटर्न थे उस हिसाब से पूछ रहा है। तो मुझे लगता है कि इसी चीज के लिए हमने भी अपना जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है उसका जो फर्स्ट टेस्ट है उसका फ्री सैंपल रखा हुआ है ना, और ताकि बच्चे अपने आप जांच कर सके कि ये जो है इस तरीके से। मुझे लगता है ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो पहला टेस्ट है कि बच्चे को दिया जाए कि भाई तुम देख लो, इसको देखो और समझो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो टेस्ट सीरीज है ना, कोई भी टेस्ट आप देते हो वो रिफ्लेक्शन है कि आपकी कवरेज कैसी है। बिल्कुल, वो दर्शाता है कि आपने कवर क्या पूरा किया या नहीं किया, कहाँ पे मिसिंग है, तो उसका बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और ये हम आपको बता, हम कितने साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप ही आपने जो स्टेट पीसीएस उसका एग्जाम भी क्लियर किया, इंटरव्यू भी दिया, तो आपका भी ये एक्सपीरियंस होगा कि जो मार्केट में ओवरऑल चल रहा है वो एक हमें जब हम साइड में हो गए बैठ के देखते हैं ना, तो हमें लगता है यार ये पता नहीं कहाँ और गलत ही डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। और टारगेट मतलब एक तरह से होता है ना कि जैसे हम बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं, स्टूडेंट की हेल्प करना चाहते हैं एग्जाम क्लियर करने में, या हमारा टारगेट है कि बस हमारे टेस्ट सीरीज में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आने चाहिए, चाहे वो वर्ड मैच हो जाए बस,
मतलब क्वेश्चन आ रहा है ऐसे बता देना है, मैच करा देना है। तो ये थोड़ा सा हम ऑब्जेक्टिव से थोड़ा अलग ही चलते हैं। सर एक मैं आपसे और सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने कई बार जब भी आपने प्रीलिम्स दिया है आप काफी कट ऑफ से आगे ही रह के आपने उसे क्लियर किया है, तो आपका रिकॉर्ड भी है और आप जो क्रैश कोर्सेज में भी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो उसमें से भी मैक्सिमम जो है स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर पाता है साइंस एंड टेक का भी जो स्टूडेंट होता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि टेस्ट सीरीज में जो नंबर ऑफ टेस्ट हैं या कितने नंबर ऑफ टेस्ट होने चाहिए इस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए या जो क्वालिटी ऑफ टेस्ट है उस पे फोकस होना चाहिए? पहले तो सर पहली जो रिक्वायरमेंट है वो क्वालिटी ऑफ टेस्ट है, उसके बाद नंबर का टाइम आता है। अब नंबर जो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, जैसे मान लो मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा सिलेबस है उसके बाद मैं क्वालिटी टेस्ट लूंगा जब मुझे लगेगा हाँ मेरा जो गलतियां कर रहा हूँ, जैसे मान लो दो ऑप्शन है उसके अंदर कोई गलती हो रही है या जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ है सिलेबस पढ़ा है या कंटेंट पढ़ा हुआ है उसका, उसके अंदर मैं गलती कर रहा हूँ, जब ये इंप्रूवमेंट हो जाती है उसके बाद जो क्वेश्चन बचते हैं जो हमने पढ़े नहीं उसका कोई लेना देना नहीं रहता, बस उतना रहता है कि जितना मेरा सिलेबस है कोर में से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं गलत तो नहीं कर रहा, जब वो ठीक होते हैं तो इट मीन्स के वहां तक आपकी कट ऑफ है, उधर से आप जो है अपना और कोई काम कर सकते हैं, वहां पे टेस्ट सीरीज उसके ज्यादा कुछ रहता नहीं है। बिल्कुल, प्रेशर को फील करना है तो आप पूरा फुल लेंथ टेस्ट जो है बच्चों के बीच में बैठ के दे सकते हैं या ऑनलाइन हमारे भी रहते हैं उस टाइम पे, तो बहुत उस टाइम पे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट रहते हैं। नहीं, तो वहां पे यहां पे तो इंश्योर हम कर ही रहे हैं कि जो आपका जैसा एक्सपीरियंस यूपीएससी में होगा ट्राई कर रहे हैं कि वहां वैसा ही एमुलेट हो, वैसा क्रिएट नहीं हो सकता है कभी, ये बात याद रखिएगा कि वो प्रेशर जो है वो अलग ही है जो उस दिन का है, और जो उस दिन के प्रेशर को हैंडल कर लेता है वही कट ऑफ के उस पार निकल आता है। बिल्कुल सही। तो सर इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि बहुत बहुत शुक्रिया, थोड़ा हमने बच्चों से बच्चे तो हमें मिलते रहते हैं, जैसे बहुत से स्टूडेंट आते हैं कि वो कहते हैं कि सर हमें बहुत हेल्प मिली स्ट्रेटजी से, हमने सीखा तो खुशी भी होती है, तो इसलिए हम हेल्प करने आ जाते हैं। हम तो इधर घूम रहे थे तो हमने बोला कि चलो एक वीडियो बनाते हैं कि जो गलतियां हमें लगता है कि बच्चे कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम एक वीडियो बना लेते हैं ताकि बच्चे फिर डायरेक्शन जो है सही रखे। और भी अगर आपके कोई सवाल होंगे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और टेस्ट सीरीज को ट्राई करने के लिए आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में हम ऐड कर देंगे। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस डिस्कशन। चलिए दोस्तों, शुक्रिया।